रिकॉर्ड द इंटायर लेक्चर, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, लास्ट क्लास में वी हैड अ वर्ड अबाउट कि हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कल। फिर बेटा हमने आर्क के बारे में डिस्कस किया था, आर्क के बाद हमने आर्क लूप और जो वायर है उनको ले करके बेटा हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट। एक सेकेंड, यस यू ऑल्सो वॉन्ट टू रिकॉर्ड, जस्ट अ सेकेंड। वैभव, आई हैव ऑथराइज्ड यू, यश को भी मैं ऑथराइज कर देता हूँ, वो भी रही है सर रिकॉर्ड साथ साथ। एनीहाउ, तो देखो बच्चों आज हम बात करेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at the outside point of a current carrying circular loop, right? तो आज यहां पर जो बेटा हम निकाले जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब कि एट द आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्हाट एवर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अब अच्छे ध्यान देना है, यहाँ अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पे आपके पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, राइट। एंड लेट से कि बेटा यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है एंड द रेडियस फॉर दिस लूप इज ए, एट अ डिस्टेंस एक्स यहाँ पे यू विश टू फाइंड द मैग्नेटिक, यानी आप इसके सेंट्रल एक्सिस, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, तो सेंट्रल एक्सिस पे आप यहाँ पे मैग्नेटिक को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। लेट्स से कि बेटा यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो आई इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग हियर इन दिस लूप, राइट। अब आपको पता है कि जो यहाँ पे ये सर्कुलर लूप है तो ये वायर, अगर हम ढंग से बात करें तो है तो ये वायर, राइट। तो अब यहाँ पे इसके वजह से फील्ड निकालने के लिए आपको इसका एक स्मॉल एलिमेंट कट करना पड़ेगा, यानी वंस अगेन वी हैव टू यूज व्हाट, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो हम यहाँ पे बायोट सेवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे। तो देखो आपने यहाँ पे बेटा स्मॉल एलिमेंट कट किया, दैट इज व्हाट आवर डीएन। आप ध्यान से सुनना, ये जैसे लूप था ना आपका, इस लूप के इस पॉइंट पे हमें निकालना है, ये लूप है जिसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं और इसके एक्सियल पॉइंट पे वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक, और एलिमेंट हमने यहाँ कट किया, करंट इसमें ऐसे फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे आपने एलिमेंट कट किया, तो ये डीएल वेक्टर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो डीएल वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा और रेडियस वेक्टर ऐसे आएगा जहां पे आपको फील करना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस पॉइंट पे फील निकालना है ये आपका क्या होगा, रेडियस वेक्टर आर, डीएल वेक्टर यहां से क्या होगा आपका, टेंजेंशियल होगा। तो अगर इस पॉइंट पे इस स्मॉल एलिमेंट के वजह से, आप ध्यान देना, इस पॉइंट पे इस स्मॉल एलिमेंट के वजह से अगर हम बच्चों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकालना चाहे, राइट, तो हाउ कैन वी गेट दैट। तो दोबारा ध्यान सुन, ये आपने यहाँ पे डीएल का काट रखा है, डीएल इधर गया, आर इधर आया, तो डीएल और आर दोनों टेंजेंशियल हो गए, दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर ये डीएल और ये आर ऐसे बन रहे, इफ आई यूज अ राइट हैंड रूल, डीएल क्रॉस आर का थंब क्या जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जो थंब आएगा वो हमेशा डीएल और आर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो वैसे भी हमें पता है कि जब भी आप कभी भी किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, तो जो उसका रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो हमेशा डीएल और आर पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करें तो आपके स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाट आवर डी, सो डीवी इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज एग्जिस्टिंग परपेंडिकुलर टू आर एंड डी। तो ये जो डीवी का डायरेक्शन हमने निकाला है ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला है, एंड नाउ यू कैन सी दैट डीवी इज व्हाट आवर परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करें, मान लो दिस एंगल इज थीटा, तो यहां पे ये वाला एंगल क्या हो, 90 माइनस थीटा,
कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, यानी अगर हम ढंग से बात करें तो देर इज नो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू एग्जिस्ट अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में आपका कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमने ये चीज निकाल लिया कि बी वाई यहाँ पे जीरो होगा, सो वाई डायरेक्शन में देर इज नो नेट मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन, और x डायरेक्शन के अगर हम मैग्नेटिक की बात करें तो इट कैन बी इवैल्यूएटेड बाय इंटीग्रेटिंग डी साइन, यानी अगर हम dv साइन थीटा को इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाए। तो अब बच्चे ध्यान दें कि हाउ टू इंटीग्रेट दिस dv साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे dv की वैल्यू की बात करें तो bx ही आपका b नेट होगा, और dv according to Biot-Savart's law we can write this I dl sin I divided by r square into sin t, ye sin 90 jo tha beta this 90 is the angle between dl and r, ye dl aur r ke beech ka angle tha, jo dl aur r ke beech ka angle banega wo aapka yahan pe kya hai ye sin 90 hai, sin theta ye component wala ye wala angle tha, theek hai। To yahan pe अब आप क्या करोगे ध्यान दे रहे, तो अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा को भी आप यहां पे ए बाई आर लिख सकते हो, और इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल का कर, राइट, तो सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई ए तक पूरे सर्कमफेरेंस के लिए इंटीग्रेशन होगा। तो अगर इसको बेटा हम इंटीग्रेट करें यहां तो ध्यान दीजिए ये जो r होगा ये r क्या होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इस पर 1/2, यानी अगर बच्चे हम बात करें तो जो आपका यहां से b नेट होगा ये r स्क्वायर इंटू r क्या होगा r क्यूब, अगर r स्क्वायर इंटू r की बात करते हैं तो दिस विल बी r क्यूब, यानी अगर हम बात करें तो इट इज म्यू नॉट I A upon 4 pi R, और यहां पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 2 pi, इसे 2 टाइम्स कैंसिल, तो B नेट बचे यहां पे क्या आएगा, अगर हम B नेट की बात कर लें तो B नेट आपका यहां पे यह आएगा म्यू नॉट I A अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 बटा, राइट, और ये ए इंटू ए यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, सो दैट इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू गेट, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट वी आर गोइंग टू गेट एट द आउटसाइड पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कल। तो अगर हम आउटसाइड पॉइंट की बात करें, अगर आपका ये सर्कल था इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा था
इसका रेडियस ए था, तो एट अ डिस्टेंस एक्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान, सपोज यहाँ पे हम बात करेंगे, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हुए तो क्या हो? तो जाहिर सी बात है कि अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स तो बी नेट कैन बी डिफाइन बाय दिस, तो आपका ये इस रिजल्ट से डिफाइन हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाय। So this is a very very important derivation, and I would request you that you should retain the derivation because this school exam mein derivation aapka aa sakta hai, is very very important from CBC point of view, right? So ab agar hum yahan pe bachcho agar special cases ki baat hai, if I talk about the special case, to aap dhyan denge yahan pe ab aapko pata hai कि जो बी ने आपके पास आ गया वो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पार्ट पी बिगन आई पाई, राइट। अब अगर हम चाहें और यहां पे अगर पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, सपोज अगर पाई से ऊपर नीचे यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज पर। अब ये जो पाई ए स्क्वायर है इसको इंटरनाइट एरिया, तो म्यू नॉट एन आई एरिया डिवाइड बाय 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज पर। अब मेरी बात बच्चों ध्यान रखो कि अगर ये लूप था, ध्यान दो अगर ये लूप था, राइट, तो इस लूप में अगर यहां से हम करंट को देखें तो ये करंट कैसा नजर आ रहा है? अगर आप ढंग से देखोगे तो यहां पे करंट आपको कैसा नजर आ रहा है? यहां से अगर आप देखोगे तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब यहां पे नॉर्थ होगा और यहां पे साउथ होगा। आपको कल बताया था मैंने कि हाउ टू डिटेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ, तो दिस लूप इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, और अगर बच्चों ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका साउथ होगा। तो अब इन दिस पर्टिकुलर केस अगर यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ, देन दिस लूप इज गोइंग टू हैव द मैग्नेटिक डाइपोल, इस लूप का अपना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल होगा, और अगर मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता हो। I repeat once again, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था और फिर आपने डाइपोल मूवमेंट को वहां पे डिफाइन किया था, सिमिलरली यहां पे भी अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जैसा क्वांटिटी भी यहां पे एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर हम डिफाइन कर लें तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइन बाई द फॉर्मूला एन आई ए, जिसको हम एन आई ए से डिफाइन करते हैं। जस्ट आफ्टर दिस टॉपिक मैं आज आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल आप ये जानो कि कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, राइट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा आपका एन आई ए, यानी इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट एम अपॉन 2 pi a square plus x square raised to power 3 by। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते। Besides this, अगर हम normally यहाँ पे special case को लगाएं यहाँ, तो ध्यान देंगे यार। तो special case, case one, when x is equal to, अगर x को हम zero put कर रहे, that means you are coming at the center. तो जाहिर सी बात है सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2।
तो अगर सेंटर में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट म्यू नॉट एन आई बाई टू ए एच टू व्हेन एक्स बिकम्स मच 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 ग्रेटर। तो उस केस में जो आपका बी नेट होगा वो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा टू ए क्यू, अगर हम सॉरी टू एक्स क्यू। तो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट। तो ये आपका यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड जब आपका एक्स मच 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 ग्रेटर देन ए होगा। तो इस तरीके से आप स्पेशल केस को यहाँ पे डिफाइन। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूले की बात करेंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में आपका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट एम अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू पाई। जनरली अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपको पता ही है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 into a square plus a square is equal to 0. So we can write that. Okay? So I don't think like there is any confusion. आपको समझ में आ गया कि एक करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट? और दिस पर्टिकुलर लूप इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम चाहें तो इसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी डिफाइंड बाय NIA. नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो आपके पास क्या आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट? तो इफ यू आर डन विद द थिंग्स, अगर चीजें समझ में आ गई होंगी तो लेट्स गो अहेड, और अगर समझ में नहीं आई है तो आस्क मी, आई कैन रिपीट इट अगेन। तो अगर बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पे कोई परेशानी हो, तो यू कैन आस्क कैंडिड मी। इस टॉपिक में कोई दिक्कत आया हो, पोलैरिटी लेवल में समझ में ना आया हो, डेरिवेशन में डीवी का, हाँ वृद्धि पूछो क्या पूछे थे बेटा, यू कैन स्पीक अप, आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम मोबाइल, आप बोल सकते हो कोई दिक्कत। सर वो साइन 90 कैसे आता, बस वही डाउट है। साइन 90 कैसे आता, साइन 90 बच्चे ये जो आपका लूप करे, ये लूप दिया था मैंने, इस लूप में मैंने डीएल कट किया था, डीएल राइट, यस सर। बाहर गया राइट, ऐसे बाहर गया, ये आर आपका ऐसे आ रहा था, डीएल ऐसे गया, आर ऐसे आया, तो दोनों देखो डीएल टेंजेंशियल था, टेंजेंट के लॉन्ग था, और आर ऐसे था, तो डीएल और आर दोनों पे क्या हो जाएगा, सिंस डीएल इज जो लेंथ फैक्टर आपका, वो आपका टेंजेंट है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, आपके रेडियस फैक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर, तो डीएल और आर के बीच एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। एनीथिंग एल्स? ओके सर। और कुछ? नो सर। Anyone else better? किसी और को कोई डाउट इस टॉपिक के अंदर, अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क। बेटा कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो देखो दिस डेरिवेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देता हूँ हमने क्या किया था, दोज हुए ज्वाइन लेट। बेटा हमने यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया है एट द आउटसाइड पॉइंट, राइट? तो हमने करंट कैरिंग लूप के अंदर एक एज्यूम डायरेक्शन ले लिया करंट का, और उसके एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दिया। तो अगर करंट यहाँ पे इस लूप में ऐसे फ्लो करेगा और यहाँ पे फील्ड निकाला, तो फील्ड क्या होगा, आउटसाइड होगा, और उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। और मैंने आपको ये बताया कि अगर ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, देन दिस लूप इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। और अगर बच्चे ये मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ही एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड बाय NIA, राइट? सो आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। देखो बहुत फेमस क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, और इस सीबीएसई में 3-4 बार आ चुका है, और हर 1-2 साल बाद एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और नहीं तो पूरे साल में कहीं ना कहीं आपको आपके स्कूल एग्जाम में जरूर दिखे, दैट इज फॉर श्योर, ये आते ही आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने ये करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट आई फ्लो कर, राइट? दिस रेडियस इज ए एट द डिस्टेंस 6 एट दिस पॉइंट, और यहां पे भी मैंने करंट कैरिंग लूप लिया,
इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका भी रेडियस ए है और ये भी यहां से एट अ डिस्टेंस एक्स लाइन। आप क्वेश्चन देख सकते, इस पॉइंट पी पे यू विश टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड। आपको यहां पॉइंट पी पे बच्चे नेट मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन, प्लीज फाइंड इट। अगर हो गया बेटा यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन स्पीक अप द आंसर। अगर आपने कर लिया सॉल्व, इतना मुश्किल नहीं था ये, इतना टाइम आप ले रहे हो। ठीक है सुन, करेक्ट। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इस डायरेक्शन, अगर यहाँ पे फील्ड की बात करें तो फील्ड विल गो अलोंग दिस डायरेक्शन। सिमिलरली देखो नीचे वाले लूप पे बेटा राइट हैंड रूल का रिवर्स यूज करो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फील्ड हैज टू बी अपवर्ड। फील्ड यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये यहाँ पे गए, बी ने कहीं यहाँ पे लाई। You know this, कि both the loops were identical, दोनों के दोनों loop identical. तो B net को आप कुछ ऐसा define कर सकते हो, यानी यहां से अगर हम B1 और B2 की बात करें तो B1 B2 दोनों की वैल्यू सेम,
तो यू कैन राइट दिस रूट टू बी वन, और इस रूट टू बी वन में बी वन को आप क्या पुट कर लो, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू इन टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज का. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर केस. तो इस केस में हम ऐसे इसको डिफाइन कर लेंगे. अब सर्कुलर लूप के वजह से अगर हम ग्राफ की बात करें ध्यान, तो अगर बच्चे हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट हो, आप कुछ ऐसे वेरी कर, ठीक है, आप देख सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी ये टच नहीं हो रहा. आप एक बार ध्यान रखना, जैसे ये यहाँ पे जा रहा है वैसे ही यहाँ पे जा रहा है. तो इसे बता रहा हूँ आपको मैं कि ये यहाँ पे जैसे जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इधर भी पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी मैक्सिमम, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई टू आर या टू ए लिख लो आप यहाँ, एंड दिस इज द एक्स राइट. सो दिस इज हाउ योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विल बी. तो ये इस तरीके से बेटा यहाँ पे वेरी करता राइट. So I hope things are very clear. Now we'll talk about the next topic. We'll be finding out the magnetic field strength on the axis of a solenoid. ठीक है? इसको रख देते हैं मैं यहाँ पे. देखो बच्चों, अभी जो हम निकालेंगे ना यहाँ पे, now we are going to find magnetic field strength on the axis of finite solenoid. So jo solenoid hum lene ja rahe hain yahan, that is not long. Dekho ab meri baat aap dhyan se sunna. Solenoid in general main aapko padhaunga ampere circuit law ke application mein, right? But jo ampere circuit law ke application mein solenoid aapne karna hai, वो एक लॉन्ग सोलेनोइड करने है भाई. अभी जो हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करने जा रहे हैं वो बायोट सावर्ट्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है. आप जो सोलेनोइड यहाँ पे लेने जा रहे हैं, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना. सोलेनोइड आपने क्लास 10 में भी देखा होगा, कुछ नहीं होता, एक भैया सिलिंड्रिकल ढांचा के ऊपर आप वायर्स की बाइंडिंग बनाए, अंदर से जनरली ये खोखला होता है, ठीक है. एक सिलिंड्रिकल ढांचा लोगे, उसमें वायर लपेट दो, वो क्या बन जाएगा आपका, सोलेनोइड बन जाता है, राइट. तो इन जनरल जो सोलेनोइड सबको पढ़ाया जाता है वो एक लॉन्ग सोलेनोइड होता है, दैट इज आल्सो देयर इन सीबीसी सिलेबस, और वो एम्पियर सर्किट लॉ जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसका एप्लीकेशन होता है, दैट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक. हम जो यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ फाइनाइट सोलेनोइड ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो सोलेनोइड हमारा यहाँ पे फाइनाइट लेंथ का है, लॉन्ग नहीं है, और यहाँ पे ये एक तरीके से बायोट सावर्ट्स लॉ का ही एप्लीकेशन है. इस टॉपिक पे आप एनआईसी लिख सकते हो, ये डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू कम इनटू स्कूल एग्जाम, बट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्कूल एग्जाम के लेवल पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो उन सबके रीजनिंग्स को ये अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं. तो अब बच्चे देखो, सोलेनोइड अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो, तो दिस इज, इसे नहीं देखा हो आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया टर्न्स बना दो ऐसे, क्या बन गया, तो दिस इज कॉल्ड सोलेनोइड. अब सोलेनोइड में करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की यहाँ पे बात कर ले तो वी कैन शो लाइक दिस. मान ये ऊपर वाला एज हो गया, ये नीचे वाला हो गया, राइट. मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 डॉट, मतलब यहाँ पे मान लो बाहर की तरफ निकल रहा हो, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये क्रॉस क्रॉस. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं इसके वजह से डिफाइन करूंगा, ये जो एज है ना, एज से जो फील्ड है, तो ये इसके वजह से यहाँ पे डिफाइन किया. तो ऊपर यहाँ पे फील्ड डिफाइन कर दिया डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे नीचे डिफाइन कर दिया क्रॉस क्रॉस. हमें इसके एक्सिस पे फील निकालना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे हर पॉइंट पे वेरी करेगा ऑन द एक्सिस ऑफ,
तो जब भी आप इसके एक्सिस पे फ्री निकालोगे, ये हर पॉइंट पे जाके वेरी करेगा, यहाँ के लिए अलग होगा, 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 क्योंकि ये फाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट सोलेनोइड के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, सबको यहाँ पे क्लियर होगा कि कैसे हमने इसको यूज करना है, राइट। तो अब मेरी बात बच्चों को ध्यान रखो कि अगर हम बात कर ले तो लेट्स से कि इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, यू विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकालना चाहते हो, और अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें, राइट, तो एंगल जो है हमारा इस पॉइंट का एंगल अगर हम डिफाइन करते, तो देखो यहां से कुछ एंगल बनेगा या कुछ एंगल आपका ये यहां से भी बनेगा, यानी सोलेनोइड के दोनों एंड यहां पे कुछ ना कुछ एंगल को सबटेंड कर रहे हैं, राइट। और अगर हम बात कर लें तो लेट्स से इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर ये एंगल थीटा वन है तो ये एंगल आपका क्या होगा, थीटा टू होगा। यानी हम सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो इफ दिस इज थीटा वन या दिस इज थीटा टू, या फिर अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो रहा है थीटा, दैट विल बी बेटर, या फिर कंफ्यूज रहोगे क्या, मान लो यहाँ पे ये एंगल थीटा वन है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा टू, राइट। तो ये सोलेनोइड के दोनों ऐसे मैंने ये एंगल सबटेंड कर दिया इस पॉइंट। आपने सिर्फ एक रिजल्ट याद रखना है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को यहां पे डिफाइन करने जाओ तो इट कैन बी डिफाइन बाय दिस फॉर्मूला, याद है सुनना, द फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम इन टू द डेरिवेशन ऑफ इट, सो वॉट आई रिक्वेस्ट यू कि बेटा एक बार आप खुद से यहाँ पे ना स्मॉल एलिमेंट काट के साथ निकालना चाहते हो, आप कोशिश करना निकालने की, अदरवाइज डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स नॉट देयर इन सीबीसी, तो करने का भी फायदा नहीं है। आप सिर्फ ये रिजल्ट याद रखो कि फाइनाइट सोलेनोइड होगा किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है तो आप इस रिलेशन को यूज, एंड द रिलेशन इज म्यू नॉट एन आई बाई टू इन टू साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव। नाउ इसी केस में हम यहाँ पे लेते हैं कि इफ सोलेनोइड इज लॉन्ग, ध्यान सुन लो, इफ सोलेनोइड इज लॉन्ग, अगर सोलेनोइड लंबा हुआ तो क्या होगा, तो अगर सोलेनोइड लॉन्ग हुआ तो 5152, यानी ये दोनों एंड कहां चला गया, इंफिनिटी पे, तो 5152 दोनों केस में क्या हो जाएगा, 90। तो जब 90 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू नॉट एन। तो अब बच्चों ध्यान से सुनो, जब भी आपका सोलेनोइड लॉन्ग हो जाए तो लॉन्ग के केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो हमेशा म्यू नॉट एन आई होगा, राइट। और जो म्यू नॉट एन आई होगा वो हर पॉइंट पे होगा, क्योंकि अब देखो आपका जो सोलेनोइड है वो लॉन्ग हो गया, आप चाहे यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं भी निकालोगे एंगल हमेशा 90 ही बनेगा दोनों एंड से। और अगर एंगल 90 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आएगी वो म्यू नॉट एन आई आएगी। एंड नाउ यू कैन सी, सो दिस इज द फॉर्मूला। अश्विन तुम आगे आगे क्यों पढ़ लेते हो तुम ना, मतलब यार मुझे लगता है कि ज्यादा वीडियोस देखते हो आजकल यूट्यूब पे, ठीक है ना, और आगे आगे चलोगे तो बेटा देयर विल बी अ प्रॉब्लम, कॉस भी आता है, व्हाई यू आर मतलब कंफ्यूजिंग योरसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है, कोई फायदा नहीं है बच्चे आगे आगे पढ़ने का। अगर आपको देखो सब कुछ खुद ही आता तो यहाँ पढ़ने की जरूरत क्या, उसको सोचो, आप हर चीज में आप आगे निकल जाते हो, आगे जाके पढ़ते हो, दैट इज नॉट गुड, आप साथ साथ चलो ना, मैंने हमेशा बोला कि पेज के साथ चलो। अब नाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, किसी का वीडियो लेक्चर देख लिया होगा कि वहां पे कॉस आया, भाई वो कॉस आएगा, देखो ध्यान से, वो कॉस आएगा, वो कॉस कब आएगा, वो कॉस तब आएगा कि भाई जब आप ये वाला एंगल लोगे, यहाँ से जो मैं एंगल दिखा रहा था कि इस एंगल को यहाँ पे थीटा वन लोगे, यहाँ पे थीटा टू लोगे, तो वहां पे कॉस फाइव टू माइनस कॉस फाइव इन द रिलेशन है। बट क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने कोई कॉस वाला डेरिवेशन आपको नहीं कराया है, दिस इज द रीजन यहाँ पे मैंने साइन को ही इंट्रोड्यूस किया ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। भाई एक जगह पे फॉर्मूला साइन वाला रटोगे, फिर जगह पे कॉस वाला रटोगे, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज। अभी आपने करंट कैरिंग स्टेट का जो डेरिवेशन किया था मैग्नेटिक का,
जिसमें आपने निकाला था म्यू नोट आई बाई फोर पाई एस साइन फाइव प्लस साइन फाइव, जो आप चाहो तो उसको कॉस के टर्म में भी डिराइव कर सकते हो, वहां पे रिजल्ट कॉस के टर्म में भी आ सकता है। बट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने देखा होगा कि जो भी मैंने डेरिवेशन करा उसको हमेशा साइन के टर्म में लेके आया, ठीक है ना, क्योंकि एंगल का फर्क होता है बाकी उसका फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे भाई अश्विन बाबू ध्यान रखना, यहाँ पे एंगल अगर आप इसको थीटा वन लेंगे, इस पूरे को थीटा टू लेंगे, तो जाकर के आपका कॉस और रिलेशन आएगा, उसमें कॉस फाइव टू माइनस कॉस फाइव वन आएगा, खाना का कंफ्यूज हो जाओगे भाई। तो इट्स बेटर कि आप साइन वाले रिलेशन को फॉलो करो, ठीक है, दैट इज मोर कन्वीनियंट, क्योंकि आप स्टार्टिंग से साइन फाइव पर साइन फाइव टू देखते आ रहे हो, तो आपके आप सबके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा साइन फाइव वन पर साइन फाइव टू को दिमाग में रखें, राइट। सो द रिजल्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है ना, किसी भी एंड से आपने एंगल बनाना थीटा वन एंड थीटा टू, और सीधा फॉर्मूला क्या हो गया आपके लिए, मीन और एन आई बाई टू साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव। तो अगर सोलेनोइड लॉन्ग हुआ, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर सोलेनोइड लॉन्ग हुआ तो उस केस में आपका फाइव वन फाइव टू दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और वहां पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा म्यू नॉट एन आई। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑन एवरी पॉइंट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट एन आई, हर पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई होता है। एंड सपोज इफ सोलेनोइड बिकम सेमी इनफाइनाइट, अगर आपका सोलेनोइड सेमी इनफाइनाइट बन जाता है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि मान लो आप सोलेनोइड के एक एंड पे और दूसरा एंड कहां चला गया, इनफिनिटी। तो अगर ऐसा हुआ तो उस केस में यहां पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा वन क्या हो जाएगा, 90। आपको पता ही जब भी हम सेमी इनफिनिट सोलेनोइड, अगर सेमी इनफिनिट आया तो वहां पे आप म्यू नॉट एन आई बाई टू लोगे। यानी कभी भी कोई अगर आपसे पूछे कि बेटे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, अगर सोलेनोइड लॉन्ग है और उसके एंड पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए बच्चे, म्यू नॉट एन आई बाई टू। सो एट द एंड म्यू नॉट एन आई बाई टू लॉन्ग है, अंदर हर पॉइंट पे जहां मर्जी निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट एन आई मिलेगा। और इसी चीज को हम एम्पियर सेकेटर लॉ में डिराइव करेंगे लॉन्ग सोलेनोइड के लिए। रिजल्ट आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड is always going to be mu not ni, यानी हर पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी सेम। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लॉन्ग सोलेनोइड की बात करते हैं, तो हमें ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा अंदर, यूनिट। तो अब अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपका ये डॉट 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 मैग्नेटिक फील्ड था, मान लो बेटा यहाँ पे क्रॉस 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 था, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म, बिल्कुल यूनिफॉर्म। देख सकते हो जब भी फ्री लाइंस ऐसे बने जिसको आप हमेशा यूनिफॉर्म बोलते हैं, हर पॉइंट पे यहाँ निकालो 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 कहीं भी निकालते रहो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन। बट इसके लिए कंडीशन क्या होंगे, लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, और सोलेनोइड के अगर एंड पे गए तो एंड पे जाते आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या मिला, म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो सडनली आपका वहां पे वैल्यू हाफ फॉल कर जाता है, क्योंकि जैसे आप एंड पे जाओगे आप सेमी इनफाइनाइट की बात करोगे। यानी एक तरीके से अगर यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल यूनिफॉर्म चलेगा लॉन्ग सोलेनोइड, और एकदम से यहाँ पे क्या आएगा, शार्प फॉल आएगा इसके, और ये है आपका म्यू नॉट Ni by 2, and this is what our mu naught Ni magnetic field, and this is what our distance. So this is the graph for a long solenoid that अगर long नहीं हुआ, finite हुआ, तो भाई हर point के लिए solenoid के दोनों end से phi 1 phi 2 के angle हमेशा अलग बनेंगे, तो हर point पे magnetic field strength की value क्या होगी, अलग अलग। यानी इतनी सी बात तो क्लियर है ना कि भाई लॉन्ग सोलेनोइड ऑलवेज गिव्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट,
और अगर हम फाइनाइट सोलेनोइड की बात करते हैं, यू ऑलवेज गेट द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग 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 होगी, क्योंकि फाइनाइट होने का डिसएडवांटेज क्या हुआ कि दोनों के एंड से हर पॉइंट के लिए फाइव एंड फाइव का एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए वैल्यू भी वहां पे अलग अलग, राइट? सो आई होप द लॉजिक इज वेरी क्लियर, और अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन रेज योर हैंड, और इधर जो स्पीकर पोजीशन या बोलो वैभव सर, मेरे को ये आपने जो लॉन्ग वायर का बताया सर, उसकी आवाज कट रही है सर, समझ में नहीं आया थोड़ा, लॉन्ग वाला समझ में नहीं आया था? हाँ जी सर, लॉन्ग वाले केस में क्या क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे लॉन्ग सोलेनोइड की बात करी तो फाइव वन देखो ये एन गया इन्फिनिटी पे, ये एन गया इन्फिनिटी पे, तो जाहिर सी बात है जो फाइव वन फाइव टू एंगल बनेगा इस पॉइंट पे भी आपको निकालना है, तो फाइव वन फाइव टू एंगल क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि इन्फिनिटी से लाइन कोई भी लाइन जो आएगी वो एंगल क्या बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाएगा, तो जब आप यहाँ पे 90 90 डालोगे तो साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा, 2, यानी 1 प्लस 1 2, और 2 2 क्या हो गया बेटा यहाँ पे कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर क्लियर, वैभव क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर हो गया सर क्लियर, एनीवन एल्स? हाँ रिद्धि बोलो सर, सेमी इनफाइनाइट के लिए भी नॉन यूनिफॉर्म होएगा? सेमी इनफाइनाइट के लिए देखो क्या है कि सेमी इनफाइनाइट में कुछ डिस्टेंस तक नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, बट सिंस सोलेनोइड लॉन्ग है, अगर आप आगे बढ़ जाओगे बहुत ज्यादा तो फिर आपको फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म मिलने शुरू होगी। देखो तभी तो ये वेरिएशन आ रहा है, देखो ये एकदम वर्टिकल वेरिएशन आकर के ये हल्का इनक्लाइन वेरिएशन है, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे फील्ड वेरी करेगा, बट जब लास्ट डिस्टेंस आप ट्रैवल कर लोगे थोड़ा सा तो फिर आपको फील्ड म्यू नॉट एन आई मिलना शुरू होगा। ओके सर, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट। एनीवन एल्स और कोई कंफ्यूजन बच्चों पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई परेशानी है कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, कहीं पे भी कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हो। क्लियर है अभी सर? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका डेरिवेशन मैंने जानबूझ के नहीं करता है, क्योंकि पीवीसी में है तो सामान्यतः एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है, बट आप कर सकते हो ये स्मॉल एलिमेंट करके और बायोसेवर्स लॉ को यूज करके आप निकाल सकते हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था निकाल, तो आसानी से निकल। तो आगे चलते हैं, एंड जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी करंट चार्जिंग लूप जो होता है वो दैट ऑलवेज बिहेव लाइक अ व्हाटएवर, वो हमेशा कैसे बिहेव करता है बच्चे, वो हमेशा एज अ मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव। तो मैं आपको बोला था कि भाई अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें, वेदर यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू हैव रेज योर हैंड। वेदर कुछ पूछना है बच्चे? चलो एनी हाउ देखो, तो यहां पे अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, बहुत बढ़िया और आसान और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, और इस पे क्वेश्चन ऐसा कोई एंट्रेंस अभी पीछे 3-4 साल में देखा नहीं मैंने जहां पे इसके ऊपर क्वेश्चन आ। तो मैग्नेटिक डाइपोल अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इसको अच्छे तरीके से हम क्लियर करने की कोशिश करें। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जितने भी आपके करंट कैरिंग लूप होते हैं, जहां पे भी कोई क्लोज लूप हो, चाहे वो लूप रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ठीक है, अगर उसमें करंट है तो वो एज अ मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा। आपको मैंने बताया था कि जितने भी करंट कैरिंग लूप होंगे सबका नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी होगा, और साउथ और नॉर्थ पोलैरिटी है तो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, वो वहां पे एज अ मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा, राइट? और जब मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा तो उसका नॉर्थ और साउथ भी। तो अब बच्चे ध्यान देंगे आप यहाँ, मान लो यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप, राइट, मैंने ये एज्यूम कर दिया कि यहाँ पे करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है,
हमें तो पता है ना कि ठीक है यार कि अब ये करंट का एक रूप है तो यहाँ इसका साउथ और नॉर्थ होना चाहिए। अगर मैं ऊपर से इसको देखूं तो करंट हमें यहाँ पे कैसा दिख, आप देख सकते हो करंट यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ और नीचे क्या होना चाहिए साउथ। तो ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। अब जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट सबसे होता है इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दिस हैज बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट, देखा गया है कि एम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और एम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट, देखो बच्चे फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहां से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो गेट अ कांस्टेंट दैट इज एम इक्वल टू के आई और के की वैल्यू बेटा यहाँ पे वन होती है, एम हमें क्या मिलेगा आई। अब के यहाँ पे वन हमें कैसा मिलेगा, तो मान लो एक लूप में अगर हम 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करवाएं जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी हमें हमेशा 1 मिलेगा, राइट। आई रिपीट वंस अगेन कि इफ यू हैव अ लूप हैविंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड द करंट व्हिच गोस थ्रू द लूप इज 1 एम्पीयर देन द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वी आर गोइंग टू गेट इज 1। तो इसलिए के की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी डाइपोल डाइपोल मूवमेंट निकालने का फार्मूला क्या होगा, करंट इनटू के। सपोज इफ देयर आर एन नंबर ऑफ क्योंकि भाई लूप है तो लूप में टर्न्स भी कभी कभी देखने को मिलते, तो अगर टर्न्स हुए तो एम को आप एन आई ए लिखो, तो एम क्या होगा आपका एन आई। अब यहाँ पे जो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आपका बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू। तो जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था ना, तो डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू टू प्लस क्यू लाई कर रहा था, आपको याद होगा। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें देन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट वॉज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। उसी तरीके से यहाँ पे साउथ को हम एक तरीके से नेगेटिव पोल की तरह ट्रीट करते हैं, नॉर्थ को वी ट्रीट एज अ पॉजिटिव पोल, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपने याद रखना है कि कभी भी अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ के डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ हम इसको दिखा सकते हैं, राइट। अब जैसे मान लो एक फॉर एग्जाम्पल, मान लो भैया एक लूप था जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस आर, सिंगल लूप, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है, रेडियस आर है, और आपको कहा गया कि बेटा बताओ इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो, व्हाट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक डाइपोल। ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया बेटा, वन, एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इट इज सीधा पाई आर स्क्वायर इन आई। तो इस तरीके से हम एम को डिफाइन, और अगर हम एम के डायरेक्शन की बात करें तो भाई एम का डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ होगा, देखो करंट यहाँ पे कैसे फ्लो कर रहा है डायरेक्शन, तो ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हो गया आपका साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो साउथ टू नॉर्थ होगा। यानी इस केस में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या मिला हमें, करंट आपका क्या था यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था, करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, यानी यहाँ पे ये हम इसको डॉट से डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपके एम का डायरेक्शन। यहाँ पे डॉट अभी मैग्नेटिक भी डिफाइन नहीं कर रहा, डॉट से मैंने यहाँ पे अभी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन को डिफाइन किया है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यहाँ पे कहाँ होगा, आउटवर्ड, राइट। उसी तरीके से मान लो अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट, ध्यान देगा दिस इज अ स्क्वायर रूट और अब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका साइड ए, राइट, और आपको बोला गया कि बेटा डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो
इसका आंसर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टर्न्स वन है, आपको दिख रहा है, करंट इनटू एरिया। अब करंट इनटू एरिया के साथ इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो आप देख सकते हो करंट यहाँ पे कैसा था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यानी ऊपर साउथ और अंदर नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस। यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा? इनवर्ड जाएगा, साउथ से नॉर्थ इनसाइड जाएगा, राइट। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सही बच्चों इसको रख देता हूं मैं यहां पर, लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जांपल। मान लो कि अगर बेटा यहां पे कोई रेक्टेंगल होता है, कुछ ऐसा था, एक रेक्टेंगल लूप है, एंड यहाँ पे करंट आई ऐसे फ्लो करवा दी और कह दिया कि मान लो भाई ये लेंथ एल है और ये ब्रेथ बी, करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में। अब आपको बताना है कि यार व्हाट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक डायपोल। तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक, इसका एरिया क्या हो जाए? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डायपोल मूवमेंट का मैग्नेटिक तो बहुत सिंपल हो गया, आई इंटू एल। और अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें कि भैया यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा होगा, तो यहाँ पे अगर हम इधर से देखें तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, या इधर से देखोगे तो करंट ऐसे फ्लो, ऐसे। तो ऐसे ये कौन से डायरेक्शन हो गए बेटा? तो अगेन यू से क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या होगा? साउथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ। जैसे कोई जो भी डायरेक्शन रहते, तो ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? साउथ, और यहाँ पे क्या मिलेगा? नॉर्थ। देखो यहाँ पे जो करंट आपको यहाँ से दिख रहा है, जो यहाँ से दिख रहा है उसको देखो, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ से करंट हमें लिखा था क्लॉकवाइज, यानी ऊपर यहाँ पे क्या होगा? साउथ, और नीचे यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ, यानी ये कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन, ठीक है। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा बेटा इसका? आई एल बी, करंट इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम यहाँ से बच्चों यूनिट की बात करें, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट बच्चों होता है एम्पियर मीटर। याद रखिए, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स कन्वेंशनल डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हमेशा साउथ टू नॉर्थ होगा। और अगर हम यूनिट की बात कर लें, तो इसका यूनिट क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर से आप इसके यूनिट को डिफाइन करते हैं। क्लियर है बच्चों? सो आई होप दिस लॉजिक इज वेरी मच क्लियर। अब देखो, मान लो कि बेटा यहां पे आपके पास एक लूप था, राइट, और इस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज नाउ सपोज अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो, चाहे ये रेक्टेंगुलर लूप हो, चाहे ये स्क्वायर लूप हो, इस केस में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए, यानी या तो आप ए बी क्रॉस यहाँ पे डिफाइन करो, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दिस विल ऑलवेज गिव्स यू अ डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, यानी दो एडजेसेंट साइड का आप क्रॉस प्रोडक्ट देते जाते, ठीक है। जैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे बी सी क्रॉस सी डी करोगे, तब भी यू विल गेट द सेम आंसर, या फिर आप अगर चाहो तो सी बी क्रॉस बी ए कर दो, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहो तो डी ए क्रॉस ए बी निकाल लो, तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस केस में आप डायरेक्ट आपको डायरेक्शन मिल जाए। मान लो कि अगर ये लेंथ एल होता, ये लेंथ ए बी, ये एल होता और ये बी होता, तो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप क्या लिखे? तो वेक्टर एम इक्वल टू आई एल आई कैप, ये करंट आई, इसको मैं कैपिटल लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एल आई कैप क्रॉस बी माइनस जे कैप, भाई बी कहां गया था? माइनस जे कैप। तो आई यहां पे आई क्रॉस जे क्या होता बेटा? तो ये एक तरीके से आ गया माइनस जे कैप, यानी आपका यहां पे डायरेक्शन कहां होगा? इनवर्ड। तो इस तरीके से मतलब कि जो है ना, आप इसको डिफाइन कर सकते, क्लियर है?
तो यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे इनवर्ट है। और वैसे देखो अगर आप अपने मेथड से भी जाए तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो अगर ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ऊपर क्या होगा साउथ और नीचे क्या होगा नॉर्थ, तो ऊपर हो गया साउथ नीचे हो गया नॉर्थ, तो यहाँ पे आपका कहाँ लाई करेगा ये इनवर्ट लाइन। वैसे भी अगर हम बात करें तो इन लूप आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, किसी भी क्लोज लूप में आपको मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होता है फॉर द क्लोज लूप। तो कहीं पे भी आप क्लोज लूप में जाएंगे और इनसाइड द लूप अगर आप बात करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा ही सेम डायरेक्शन में मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा ध्यान देना यहाँ पे, कई बार जो करंट होता है ना वो डबल प्लेन में आता है, और जब करंट डबल प्लेन में आता है ना तो बहुत कंफ्यूजन होगी क्या आंसर कैसे नहीं। तो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल और इसका शीट मैं आपको आज शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको बताया मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो इसका असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आज ही इसके क्वेश्चन अटेंड कर लेना, अच्छे तरीके से सॉलिडिफाई हो राइट। तो अब अच्छा ध्यान दो, यहाँ मान लो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक अ क्यूब, एक क्यूब ले लिया, आपको दिख रहा है क्यूब राइट, लेट्स से यहाँ पे नेमिंग करते हैं इसका, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी पॉइंट ले लिया है, देन लेट्स से आपका ये ओरिजिन वाला पॉइंट ई ले लिया, दिस इज योर एफ, दिस इज जी एंड दिस इज व्हाट आवर एच। तो वी डिड द नेमिंग ओवर हियर, यहाँ पे नेमिंग करते हैं। अब अगर हम बात करें तो मान लो बच्चों यहाँ पे करंट इसमें ऐसे जा रहा है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, करंट इसमें ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो करंट आपका यहाँ पे ऐसे और करंट आपका यहाँ पे ऐसे, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी अगर ईजी में बात करें तो करंट यहाँ पे ऐसे आ रहा हो, ठीक है ना। एजी में अगर हम बात करें तो इसमें करंट ऐसे आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे आपको बोला गया कि बेटा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताओ, तो इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बाय कंसीडरिंग, क्योंकि जो करंट कैरिंग लूप है ना वो सिंगल प्लेन में यहाँ पे लाइनिंग करता है, सिंगल प्लेन मतलब कि ना वो सिर्फ एक्स में है, कोई भी आज में कोई भी प्लेन उठा लो, चाहे ये वाला लूप ले लो, चाहे ये वाला लूप ले लो, चाहे ये वाला लूप ले लो, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सिंगल प्लेन में यहाँ पे लाई कर रहा हो राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट को डिफाइन करना है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा ना यहाँ पे किसी भी दो गिवन लूप का वेक्टर सम हो, यानी कभी भी ऐसे केस क्योंकि देखो ये जो करंट ध्यान देना, ये जो एडी है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो ये जो एडी है ये एडी इसके लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और इसके लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। या एफ जी को ले लो तो ये एफ जी इसके लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और इसके लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी हर करंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डबल लूप में जा। तो अगर इस तरीके का कोई वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट आ गया और आपको कहा गया कि फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे आप इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करो, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हम कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल होता है बेटे यहाँ पे कि आप किसी भी दो एडजेसेंट साइड को पकड़ो, जैसे मान लो हमें इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन, तो ये एडी जो है इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो पहले इसका निकाल, इसका आप आसानी से निकाल पाओगे भैया ये यही तो है ये, लेकिन सर आपका मतलब सपोज अगर क्यूबॉइड होगा तो रेक्टेंगल बन रहा होगा और अगर क्यूब है तो वैसे स्क्वायर ले लो, तो इसका आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ये करंट यहाँ पे कैसे फ्लो कर रहा है देखो, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज राइट, तो ऊपर नॉर्थ होगा नीचे साउथ, यानी इसका एम वन कहाँ जाएगा ऊपर, यानी अगर हम एम वन को डिफाइन करें लेट्स से अगर एक क्यूब था तो एरिया ए स्क्वायर इनटू करंट आई, और डायरेक्शन कहाँ चला गया जे के, आप देख सकते हो डायरेक्शन कहाँ चला गया जे के करो, सिमिलरली इस रूप में आ जाओ क्योंकि एडी का कॉन्ट्रीब्यूशन था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे
इन दिस केस अगर हम डिफाइन करें तो करंट कैसे फ्लो करता है, करंट ऐसे फ्लो करता है, तो करंट यहाँ पे आपको कैसा दिखता है, नाउ इट इज क्लॉक वाइज, यानी यहाँ साउथ और अंदर नॉर्थ, यानी एम कहाँ जाएगा, यानी एम टू को अगर डिफाइन कर ले तो एम टू ए स्क्वायर आई कैप और यहाँ पे क्या हो गया माइनस के कैप। तो अगर हम यहाँ पे वेक्टर एम नेट को डिफाइन करें तो वेक्टर एम नेट क्या हो जाएगा बच्चे, एम वन प्लस एम टू, यानी आई करंट आई ए स्क्वायर जे कैप माइनस के कैप इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा करंट का डायरेक्शन इधर होता है, इधर ये इधर होगा, ठीक है। भाजी दी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग, पूछो। यस सर, फर्स्ट लूप में डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन ठीक कर दिया बेटा मैंने, इधर वर्क की सर, अगर ऊपर से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो डायरेक्शन था ये कैसा था, क्लॉकवाइज था, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है समझ गया तुम क्या कह रहे हो, ठीक है परफेक्ट। ये एम वन नीचे होगा भाई, ये ऊपर साउथ होगा और नीचे नॉर्थ होगा, तो ये आपका ये डिग्री ने मिस्टेक पकड़ा, ये माइनस जेकर होगा, तो यहाँ भी ये माइनस जेकर, ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? यस सर। एनीवन एल्स, किसी को कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, कहीं भी कुछ पूछना हो तो, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? देखो अब आगे चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि भाई यहाँ पे ना आपको एक रिंग दे दिया जाए, राइट, अब बिल्कुल फोकस से को सुनना, एक्सक्लूसिव एंट्रेंस का टॉपिक, और इस लूप को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई यहाँ पे चार्ज क्यू है और रेडियस आर है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालो, किसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालो। ऐसे केस में जब भी आपको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना हो जहां पे चार्ज गिवन हो, वहां की बात करो जहां पे चार्ज गिवन हो और एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकालोगे, सिर्फ एक फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, एम बाई एल इक्वल टू हाफ क्यू बाई स्मॉल, बस इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रख लिया तो दुनिया का ऐसा कोई भी चार्ज बॉडी होगा जिस पर आप चार्ज दोगे उसको रोटेट करवाओगे ओमेगा से, यू विल बी एबल टू फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और वो भी बिल्कुल चुटकियों में एकदम आसानी से। इसको याद रखने का तरीका, मतलब मैं जब छोटा था तो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि माल आधा कम आया है, ठीक है ना, जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं ना भैया, सब माल का जो ट्रेड करते हैं वो लोग उसको जनरली कॉमन लैंग्वेज में माल कहते हैं, भैया माल आया नहीं आया, तो माल आधा कम आया है, इससे आप इसको याद रख सकते हो, माल मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पहले आएगा, माल कैपिटल एल आधा कम आया है, कम मतलब क्यू को के लिए क्यू यूज करना है, कम एम यहाँ पे क्या हो गया मास यूज करना है, माल आधा कम आया है से आपको ये रिलेशन हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको पता है माल यानी माल इंपॉर्टेंट, यानी कैपिटल एम सबसे पहले हमें यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना है तो उसको हमें यूज करना है, राइट, तो माल आधा यहाँ पे हाफ ये क्यू और ये यहाँ पे एम क्या आ गया मास, यहाँ पे कहीं कोई करंट नहीं है, सीधा एम बाई एल इक्वल टू हाफ क्यू बाई स्मॉल एम है, क्योंकि इन क्वेश्चन में चार्ज ही आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, एल यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट है, एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, थोड़ा सा रोटेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, सर अनम्यूट कर लो सर, सर म्यूट हो गया,
सर अनम्यूट कर लो अपने आप को। एक सेकेंड बच्चे, एक ठीक है आवाज नहीं आ रही, आ रही होगी आवाज नहीं सर, पहले अनम्यूट हो लेते हैं। तो लॉजिक क्लियर हो गया ना, यानी क्या हो गया फॉर्मूला, m by n equal to half q by small m, right? अब देखो बच्चे यहाँ पे अगर मान लो इस रिंग का, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर इस रिंग का आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बचपन में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था मैंने आपको कि कभी भी कोई बॉडी अगर रिजिड बॉडी प्योर रोट ना ना पिटाई करूंगा, यही से पिटाई लगेगी। एम वी आर वी यूज ओनली फॉर द पार्टिकल्स, भूल गए। जब भी कोई प्योर रोटेशन शो कर रहा होगा वहां पे भी ऑलवेज यूज आई ओमेगा, दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा लो। कोई भी प्योर रोटेटिंग बॉडी होगा तो वहां पे यू हैव टू यूज आई ओमेगा। आई स्टैंड फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा स्टैंड फॉर एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर और ये ओमेगा, यहां उठा के पुट करो एम बाई एम आर स्क्वायर ओमेगा हाफ क्यू बाई एम, ये एम एम कैंसिल, एम का आंसर क्या आ गया हाफ क्यू ओमेगा, हाफ क्यू ओमेगा आर, ये आ गया बच्चों आंसर। दिस इज द आंसर फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दिस इज द आंसर फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब यहां पे कुछ भी करो आप आंसर निकाल लो। मान लो यहां पे मैंने दे दिया डिस्क और डिस्क पे दे दिया चार्ज, ध्यान देना बच्चों, डिस्क दिया और डिस्क पे चार्ज दिया और डिस्क को ओमेगा से रोटेट कर दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है, फिर से यही फॉर्मूला ठोकेंगे। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, ध्यान दो जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले एम आर स्क्वायर डाला था, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, अब यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई टू कर दिया तो यहाँ पे भी बाई टू आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई फोर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाई फोर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। सपोज अगर बच्चे हम बात कर रहे हैं मान लो यहाँ पे आपके पास हॉलो कोन आ गया, क्या आ गया हॉलो कोन, हॉलो कोन के सरफेस पे चार्ज इस तरीके से दिया गया और कोन को ओमेगा से घुमाया गया, कोन को ओमेगा से घुमाया गया और बोला गया बेटा फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो क्या डर जाओगे भाई, कोन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अगर हॉलो कोन हो, हॉलो कोन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ एम आर स्क्वायर, सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर और आंसर क्या आएगा वन बाई फोर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आंसर हम यहाँ पे निकाल पाएंगे, राइट। अब तो आई गेस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू और ये फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना, एंड यू विल बी एबल टू लाइक अप्लाई दिस फॉर्मूला इन एनी ऑफ द क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया कि जहां भी रिजिड बॉडी होगा चार्ज मार देंगे, चार्ज को रोटेट करेंगे तो माल आधा कम। सर म्यूट हो गए, तो आज के बेटा इसको हम यहाँ तक रहने देते हैं, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास लाइक विल बी मूविंग अहेड विद दिस एंड विल बी डिस्कसिंग आउट अबाउट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग वायर इनसाइड द मैग्नेटिक। होपफुली योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विल गेट फिनिश इन नेक्स्ट टू टू थ्री क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, आई एम कवरिंग अप एवरीथिंग बिकॉज आई नो दिस कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा क्योंकि जब हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई में है जो सीबीएसई में नहीं है तो ऑब्वियसली बेटा वो टाइम तो थोड़ा लेगा, राइट। तो थोड़ा और एग्जॉस्टिव डिस्कशन शुरू करेंगे एंड मीनवाइल आई विल शेयर द असाइनमेंट टुडे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। पिछले असाइनमेंट भी शेयर किए थे एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों ने अटेंड करके देखा होगा और क्वेश्चन भी आपसे हुए होंगे, ठीक है। जो डीबीबी था That was a good level, अच्छे लेवल का DPP शेयर किया था मैंने और आज भी जो शेयर करूंगा उस DPP की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होंगे, राइट। और मतलब अगर आप सिर्फ उन DPPs को भी कर लोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक्स के अंदर ना बिल्कुल जबरदस्त हो जाए। मतलब अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा, तो इट्स बेटर अगर आप टाइम बहुत ज्यादा नहीं निकाल पा रहे हो तो कम से कम असाइनमेंट जरूर करो, जो असाइनमेंट सिर्फ असाइनमेंट करो और प्रीवियस से करो, डैट्स इट, इसका कुछ करने की जरूरत।
मतलब इतने से भी काम चल जाएगा. बट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू वांट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो फिर तो आपको देखो एसईओ भी करना पड़ेगा, आपको डीसी पांडे भी करना पड़ेगा, आपको हर बुक को सॉल्व करना पड़ेगा. बट डिपेंड्स, टाइम नहीं है तो जो असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ वो कॉन्क्रीट असाइनमेंट है, उसमें सब कुछ है. आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा ना वहां से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन मैग्नेटिक्स में आपके पास नहीं रहेगी. तो एक तरीके से वो ब्रीफ मतलब कि हर लेवल के क्वेश्चन का जो है ना वो समेशन है जो आपका असाइनमेंट. तो अगर उसको आप सॉल्व कर लोगे तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग. ठीक है, तो बच्चों इसको यहाँ तक रिवाइज करो, राइट. एंड नेक्स्ट विल बी मीटिंग अप वेरी सून ऑन वेडनेसडे. वी आर गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट. वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा. सिलेबस में अभी इलेक्ट्रिसिटी तक की ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी दोबारा, राइट. फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट टिल इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा. फ्राइडे को विल बी हैविंग द एक्स्ट्रा क्लास एज पर ट्रेंड, ईदर ऑन थर्सडे और ऑन फ्राइडे, दोनों में से किसी भी एक दिन में क्लास रखूंगा. और वाइवा दोबारा से कंडक्ट होगा आपका. जिन बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा था, तैयार रहना, रैंडम वाइवा किसी भी दिन ले लूंगा मैं क्लास में. मैं अब डेट और टाइम नहीं बताऊंगा, आपको बस तैयार रहना है कि सर कभी भी कुछ भी पूछ सकते, ठीक है. और ये भी हो सकता है कि भैया ग्रुप जूम मीटिंग ना करके किसी को कॉल करूँ रैंडम कि बेटा आ जा, और अकेले में सीधे क्वेश्चन करूँ आधे घंटे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. क्योंकि मुझे आपसे टच बनाना है और टच बना के मैं कुछ भी करूंगा. एंड द सेम आई टोल्ड टू राजीव सर एंड धर्मवीर सर, तो हो सकता है वहां से भी वही चीज इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो. तो मतलब वाइवा वैसा नहीं होगा कि भाई ग्रुप में बुला के सबका यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. आई विल गो वन टू वन, बस वन टू वन पकड़ूंगा, ठीक है. इसलिए अपने आप को तैयार रखना अच्छे तरीके से, एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी सारी चीजें याद होनी चाहिए. नहीं तो मेरा कॉल किसी भी दिन आएगा और आधे घंटा अकेले जूम पे लेकर के ना मैं आप लोगों का वाइवा दूंगा पर्सनली, ठीक है. तो प्लीज गो अहेड और अच्छे से वर्कआउट करो एंड लेट्स कैच अप सून. वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है. सिलेबस आपको बता दिया है मैंने, एंड फॉर द सेम मैथ्स और केमिस्ट्री का भी सिलेबस आपको कन्वे हो जाएगा, ठीक है. और बाकी थर्सडे एंड फ्राइडे को दोबारा मिलते हैं. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. सर अभी आप सेंटर पे कितने बजे तक हो? मैं हूँ ढाई तीन बजे तक. ओके.